गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट अफजलपुर तालुका हवानूर विलेज के गवर्नमेंट हाई स्कूल में बच्चों के खाने में चिपलक गिर जाने से 40 से ज़्यादा बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई है और 7 बच्चों की तबीयत ज़्यादा नासाज होने से उन्हें गुलबर्गा शहर के जिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया है। अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स में दिए जाने वाले मिड डे मील्स में मरे हुए चिपलक, चूहे, कीड़े मकोड़े निकलना मानो जैसे आम बात हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से ऐसे अब तक कई वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें बार बार बच्चों को खिलाए जाने वाले खाने में चिपलक, चूहे और दीगर जहरीले कीड़े मकोड़े देखे गए हैं। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी इसी तरह का एक वाकया सामने आया है। गवर्नमेंट स्कूल में गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मासूम बच्चे पढ़ाई करते हैं और इनको पहले तो ऐसा खाना खिलाया जाता है जिसको अमीर लोग देखना तक पसंद नहीं करते हैं और उसमें भी लापरवाही इतनी ज़्यादा कि खाने के साथ बच्चों को चिपलक और चूहे डालकर खिलाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में किस तरह मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गरीब मासूम बच्चों को खाने के नाम पर जहर दिया जा रहा है और यह हरकत पहली बार नहीं हुई है। अफजरपुर तारुका हवानूर विलेज में 40 से ज़्यादा बच्चों की तबीयत ख़राब होने पर इन मासूम बच्चों के घर वाले काफ़ी परेशान हुए हैं, पर गवर्नमेंट स्कूल मैनेजमेंट और हेल्थ ऑफिसर्स को बार बार इस तरह के हादसे पेश आने पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। जीव उड़सो गाड़ी मार खास दे।